हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स, दैट इज एक्रेलिक। अब तक हमने पिछली दो क्लासेस में दो सिंथेटिक मैनमेड फाइबर्स, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर को कवर किया है और आज हम थर्ड मैनमेड सिंथेटिक फाइबर एक्रेलिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है, व्हाट आर मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे कि पिछली दो क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि जो फाइबर्स कम्प्लीटली केमिकल कंपाउंड्स लाइक पेट्रोकेमिकल से सिंथेसाइज किए जाते हैं, उन्हें मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। अनलाइक नेचुरल फाइबर्स, ये प्लांट्स और एनिमल्स से सोर्स नहीं किए जाते बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, स्पेंडेक्स एक्सेट्रा इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये फाइबर्स अपनी ड्यूरेबिलिटी, वर्सेटिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्रेलिक। एक्रेलिक फाइबर्स एक सिंथेटिक टेक्सटाइल मटेरियल है जो अपनी सॉफ्टनेस, वार्म्थ एंड वर्सेटिलिटी के लिए जाना जाता है। इसकी डेवलपमेंट मिड 20th सेंचुरी में ही हो गई थी वूल के अल्टरनेटिव के तौर पर। एंड एक्रेलिक ऑफर्स प्रॉपर्टीज सिमिलर टू नेचुरल फाइबर्स बट एडेड बेनिफिट सच एज लाइट वेट, इजी टू केयर एंड रेजिस्टेंस टू रिंकल्स एंड मोथ्स। नेक्स्ट है, एक्रेलिक को एक पॉपुलर चॉइस माना जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करने के लिए, लाइक क्लोदिंग, ब्लैंकेट्स और होम फर्निशिंग आइटम्स एक्सेट्रा बनाने के लिए। आफ्टर इंट्रोडक्शन नेक्स्ट है दी ओरिजिन ऑफ एक्रेलिक। एक्रेलिक की उत्पत्ति कहाँ, कब और कैसे हुई। एक्रेलिक फाइबर जिसको वूल का एक अल्टरनेटिव माना जाता है ओरिजिनेटेड इन द मिड 20th सेंचुरी 1941 में विद डूपोंट डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट एक्रेलिक फाइबर जिसको ओरलोन बोला जाता था। एंड दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ एक्रेलिक जर्नी एज अ पॉपुलर सिंथेटिक फाइबर ऑफरिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टू वूल लाइक सॉफ्टनेस, लाइट वेट एंड इजी केयर। और उसी टाइम से एक्रेलिक फाइबर को वाइडली यूज किया जाने लगा फॉर मेकिंग क्लोथ, होम फर्निशिंग के आइटम्स बनाने में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट हमारे पास है दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ एक्रेलिक। तो फर्स्ट स्टेप है पॉलीमराइजेशन एंड सॉल्यूशन प्रिपरेशन। एक्रेलिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पॉलीएक्राइलोनिट्राइल जो पॉलीमराइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी मोनोमर जो कि एक्रोलोनिट्राइल है उसको को मोनोमर्स के साथ मिक्स किया जाता है to improve diability and other properties. And after mixing, उस mixture को free radical polymerization से गुजारा जाता है to form long chains of polyacrylonitrile polymer. At last, PAN polymer को dissolve किया जाता है in a suitable solvent to create a spinning solution. Second step में उस spinning solution को spinrad के through बाहर extrude किया जाता है by wet spinning or dry spinning method. वेट स्पिनिंग में सोल्यूशन को कोगुलेशन बाथ में एक्सट्रूड करते हैं, वेयर एज ड्राई स्पिनिंग में वार्म एयर चैम्बर में सोल्यूशन को एक्सट्रूड किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग नेक्स्ट स्टेप है ड्राइंग एंड कटिंग, जिसमें सबसे पहले फाइबर्स को मल्टीपल टाइम्स अपनी ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा स्ट्रेच किया जाता है टू एनहांस इट्स इलास्टिसिटी। एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग उन फाइबर्स को वॉश करके उसमें से सारी इम्प्योरिटीज रिमूव की जाती है एंड देन उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। एट लास्ट कॉन्टिन्यूस फिलामेंट्स को शॉर्टर लेंथ में कट किया जाता है टू क्रिएट स्टेपल फाइबर्स। आफ्टर कटिंग फाइबर्स को यार्न में स्पिन किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट स्पिनिंग मेथड्स लाइक रिंग स्पिनिंग, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है फाइबर्स को ट्विस्ट देकर यार्न बनाने का। एंड दूसरा मेथड है ओपन एंड स्पिनिंग, जो कि एक फास्टर मेथड है जिसमें फाइबर्स को रोटर में फीड करके यार्न के लिए ट्विस्ट दिया जाता है। फाइबर से यार्न बनने के बाद अब यार्न से फैब्रिक प्रोडक्शन की जाती है। फैब्रिक को दो तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है। फर्स्ट इज वेविंग, जिसमें दो सेट्स ऑफ यार्न मींस वॉर्प एंड वेफ्ट यार्न्स को आपस में इंटरलेस किया जाता है। एंड सेकंड इज नेटिंग, इन विच इंटरलूपिंग इज डन विद वन और मोर सेट्स ऑफ यार्न बाय हैंड और नेटिंग मशीन। फैब्रिक बनने के बाद उसे नेक्स्ट स्टेप में डाई और फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स के लिए भेजा जाता है, जिसमें उसे सबसे पहले डिजायर्ड कलर में डाई किया जाता है एंड देन सॉफ्टनिंग, हीट सेटिंग और केमिकल फिनिशेस दिए जाते हैं टू इम्प्रूव टेक्सचर, अपियरेंस एंड फंक्शनैलिटी। एट लास्ट फैब्रिक को क्वालिटी कंट्रोल के लिए भेजा जाता है, जिसमें चेक होता है कि फैब्रिक अपने रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरा है या नहीं। अगर उसमें कोई डिफेक्ट या फॉल्ट होता है तो उसे वहीं का वहीं रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड अगर फैब्रिक अपने रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है तो उसे ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा मार्केट में भेज दिया जाता है फॉर सेलिंग।
After manufacturing process, we are going to discuss some properties of acrylic. So the first property of acrylic is softness. Acrylic fabric बहुत ही soft और comfortable होता है, जिसकी वजह से इसे wool के substitute like clothing और blankets बनाने में use किया जाता है. Next property है lightweight. Acrylic fibers हल्के होते हैं, जिसकी वजह से इनके garments को wear और handle करना easy होता है. Next है warmth. लाइटवेट होने के साथ साथ एक्राइलिक फाइबर्स और फैब्रिक्स की एक्सीलेंट इंसुलेशन और वार्म्थ होती है, सिमिलर टू वूल. आफ्टर वार्म्थ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी. एक्राइलिक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर और फैब्रिक होता है, जो इसके लाइफ स्पैन को इंक्रीज करता है. एंड एक्राइलिक फाइबर्स की एक्सीलेंट पावर होती है डाई सोक करने की, जिसकी वजह से इसके बहुत ही वाइब्रेंट और लॉन्ग लास्टिंग कलर्स होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिंकल रेजिस्टेंस. एक्राइलिक फाइबर्स में जल्दी से रिंकल्स नहीं पड़ते, जिसकी वजह से बिना आयरनिंग के भी इसका नीट अपीयरेंस रहता है. आफ्टर रिंकल रेजिस्टेंस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्विक ड्राइंग. मीन्स एक्राइलिक फाइबर्स अपने अंदर ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते, जिसकी वजह से ये जल्दी सूख जाते हैं. एंड अनलाइक नेचुरल फाइबर्स, इनमें मोथ्स और अदर इंसेक्ट्स नहीं पड़ते, जिसकी वजह से इन्हें लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट है इजी केयर. मीन्स एक्राइलिक फाइबर्स इजी टू केयर होते हैं, बिकॉज इन्हें आप मशीन में इजिली वॉश कर सकते हो. एंड दे आर रेजिस्टेंस टू श्रिंकेज. लास्ट प्रॉपर्टी है शेप रिटेंशन. एक्राइलिक फाइबर्स अपनी शेप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, चाहे इन्हें जितना भी स्ट्रेच कर लो, ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में इजिली आ सकते हैं. एट लास्ट इसका कंक्लूजन है कि एक्राइलिक फाइबर एक वर्सेटाइल सिंथेटिक मटेरियल है, जो अपनी सॉफ्टनेस, लाइटवेट, वार्म्थ, ड्यूरेबिलिटी और इजी केयर के लिए जाना जाता है. इसकी एक्सीलेंट कलर रिटेंशन पावर होने के साथ साथ ये रिंकल्स, मोथ्स, इंसेक्ट से बचाता है, जिसकी वजह से इसे वाइडली यूज किया जाता है इन मेकिंग ऑफ क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा. लास्ट इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है. सबसे पहले हम मैनमेड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में लिखेंगे, देन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्राइलिक, देन द ओरिजिन ऑफ एक्राइलिक फाइबर्स, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ एक्राइलिक लिखेंगे, उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे और सारे प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करेंगे, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एक्राइलिक, उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे और सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे, और एंड में कंक्लूजन लिखेंगे.